बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको कच्चे कीमे के कबाब बनाना बताऊंगी। तो कच्चे कीमे के कबाब के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं, ये 3 पाव मैंने कीमा लिया है और बारीक पिसा हुआ है, ये बीफ का कीमा है। 1 मैंने अंडा लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया है, इसे मैंने अच्छे से खुश कर लिया है। कीमे को भी धो के मैंने अच्छे से खुश कर लिया था, दबा दबा के इसका पानी सारा निकाल दिया। ये 1 प्याज है जिसे मैंने कद्दूकस किया है, इसे भी मैंने इसका भी मैंने पानी निकाल दिया। 1 टेबलस्पून मैंने ये ग्रीन मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने पीस के इसका भी मैंने पानी निकाल दिया। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है 1-1 टेबलस्पून, इसे भी मैंने पीसा और फिर इसका भी सारा पानी निचोड़ दिया। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है ये बेसन, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है और ये दोनों कुटी हुई और पिसी हुई मिर्चें मिला के मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, 1/2 1/2, और ये धनिया मैंने 1 टीस्पून लिया है और ये जीरे को भी मैंने कूट लिया, ये भी 1/2 टीस्पून। अब हम इन सब चीज़ों को इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूँ, इनका सब चीज़ों का पानी ज़रूर निकाल लीजिएगा वरना ये कबाब टूटेंगे। हर चीज़ का मैंने पानी निकाला है, प्याज का भी पानी मैंने निचोड़ दिया, कीमे का भी निचोड़ दिया मैंने, हरा धनिए का भी, सबको मैंने खुश किया अच्छी तरह से। तो ये सब चीज़ें अब मैं शामिल कर देती हूँ। हरा धनिया, ये प्याज को भी आपको बहुत बारीक करना है, मैंने कद्दूकस में करी है। और ये सारे मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल देंगे, काली मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे और ये कॉर्नफ्लावर, बेसन और नमक, और अब ये अंडा भी हम डाल देंगे। कबाब हमारे टूटेंगे नहीं, सबको मिक्स कर लेंगे कीमे में अच्छे से। आप इन्हें बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। अच्छे से इनको मिक्स कर देना ताकि सब चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं कीमे में। कीमे को आप एक दफ़ा चॉपर में ज़रूर चॉप कर लीजिएगा, थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। थोड़ी सी चिकनाई भी मैंने डाली थी। मैंने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए, तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्का सा हाथ में ऑयल लगा लें और इसको इस तरह से ना छोटे बनाए ना ज़्यादा बड़े, क्योंकि जब हम इसे तलते हैं तो ये सिकुड़ जाते हैं। प्रेस कर लें, तरह से हम सब बना लेंगे। इस तरह से हम सब बना लेंगे ऐसे। कबाब मैंने बना लिए, अब इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम ये कबाब इसमें रखेंगे कच्चे कीमे की और इन्हें फ्राई करेंगे। और इन्हें धीमी आंच में फ्राई करना है, तेज आंच में नहीं करना। ऊपर ऊपर से तो हो जाएंगे गोल्डन और अंदर से कच्चे रहेंगे। कलर आ गया, उससे कलर आ गया। जबरदस्त खुशबू आ रही है, ये बहुत मजे के बनते हैं। मैंने बाद में डाला था, ये अभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कच्चे कीमे के कबाब तैयार हैं। आप ज़रूर ट्राई करें, इन्हें बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसे मटर पुलाव के साथ, चपाती के साथ,
सैंडविच भी बना के इसके खा सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई करें इसे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें प्लीज, बेल को प्रेस किया करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, फिर अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियां दे। अल्लाह हाफिज।